हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पेशली 49,568 भर्ती से रिलेटेड। जैसे कि हमने मतलब प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था कि एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें कुछ कैंडिडेट जो है, जो भी लखनऊ के आसपास के कैंडिडेट्स हैं, वो भर्ती बोर्ड जाने की जो है प्लानिंग कर रहे हैं। तो अगर आप भी जो है आसपास हैं, लखनऊ के भर्ती बोर्ड के आसपास हैं, तो आप भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज था 25 अगस्त और कुछ कैंडिडेट जो है भर्ती बोर्ड पहुंचे भी थे। क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में सिंपली जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको स्पेशली 49,568 भर्ती से रिलेटेड कोई भी छोटी हो या फिर बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, और वीडियो पसंद आती है तो आपसे एक लाइक की उम्मीद करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें ये जो है पता चला कि आप भर्ती बोर्ड तो गए थे, लेकिन कहीं से ना कहीं से भर्ती बोर्ड को ये भनक लग चुकी थी कि यहाँ कुछ कैंडिडेट्स आने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था, मतलब आशा ये जताई जा रही थी कि बहुत सारे कैंडिडेट एक साथ जाएंगे, लेकिन उतना यूनिटी नहीं दिखा, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स गए थे तो पहले से ही उनको मतलब रोकने का पूरा प्लान बना लिया गया था और उनको जो है अंदर जाने नहीं दिया गया है, गेट पे रोक दिया गया, ठीक है। उसके बाद से जो भी प्रक्रिया हुई, उन्होंने अपनी बात बताई, ठीक है। उसके बाद से उन्होंने मतलब जो भी वहाँ के थे तो उन लोगों ने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख दीजिए और अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, आप अपना नेम और फ़ोन नंबर भी लिख दीजिए, और ये जो एप्लीकेशन है हम डीजी को दे देंगे, यानी कि भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आर के विश्वकर्मा जी को, ठीक है। तो यही बातें पूरी हुई और उनका ये भी कहना था, मतलब और भी कुछ अफसर थे तो उनका ये कहना था कि आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, सारी प्रक्रियाएं चल रही है, आप लोग मतलब भीड़ मत लगाइए यहाँ। तो यही कुछ मैटर था, आप देख रहे होंगे, मतलब वो COVID-19 का हवाला देते हुए ये सारे मैटर को आपके सामने रख रहे थे, और वो कह रहे थे कि जल्द ही जो आपकी प्रक्रिया है वो स्टार्ट करी जाएगी, इन भर्तियों पर काम चल रहा है। और फ्रेंड्स, यही कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है और कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन हाँ, जो R9TV आपने देखा होगा, R9TV, तो उसका जो रिपोर्टर था, वहाँ एक रिपोर्टर भी मतलब पहुँचे थे और उन्होंने कुछ कैंडिडेट्स का मतलब जो भी बातें हैं सुना भी। तो ये आपको वीडियो जो है इस चैनल पे जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे ही R9TV पे अपलोड होता है, तो ठीक है। तो सारी बातें हम बता देंगे क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी बातें हैं यहाँ से निकल के आई है और इतनी ही सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, एप्लीकेशन दे दिया गया है और ये एप्लीकेशन अब DG के पास पहुँचेगा, और देखते हैं फ्रेंड्स, 4-5 दिन वेट करते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन आता है या फिर नहीं आता है, उसके बाद से नेक्स्ट कोई भी और मतलब किया जाएगा। लेकिन आज के लिए इतना ही हमने सोचा। हमने आपको पहले भी बताया था कि हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो आपके ही माध्यम से ये हमें पता चला है कि कुछ कैंडिडेट्स लखनऊ गए थे और ये सारी बातें हुई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जैसे ही कोई अपडेट आएगा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।